मारीना संदेश लाइव। मैं नगर अध्यक्ष ब्रिज किशोर यादव, प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल गाजीपुर। देखा जाए कि लॉकडाउन हो चुका है 21 दिन का, और आज आप लोग जो है कुछ यहाँ वितरण किए हैं और क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये राशन वितरण हुआ है हमारे प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से, गाजीपुर ज़िले के प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से, जिसमें आटा, चावल, दाल, आलू और तेल, मसाला, नमक, मतलब एक परिवार के लिए एक हफ्ते के लिए जो राशन की चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब कुछ उस पैकेट में दिया गया है, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष असलम भाई हैं, हमारे ज़िले के महामंत्री सिप्पी भाई हैं, और भी हम लोगों की पूरी टीम यहाँ पे है। दरवाजा के लिए तो ये वितरित किया गया है, और ये लिस्ट बनाई गई है, मोहल्ले वाइज लिस्ट बनाई गई है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हीं लोगों के पास हम लोग पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, और उन्हीं लोगों को ये देने का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके बाद आगे आप लोग क्या करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ लाल दरवाजे में शंकर भगवान के मंदिर के पास हम लोगों ने जो लिस्ट बनी हुई थी उस हिसाब से लोगों को बुलवा करके यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद फिर रायगंज मोहल्ले में चलना है, फिर उसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग लकड़ी के टाल और नवाबगंज तक जाएंगे। ये इस तरीके से किया जाएगा, घर घर जाके दिया जाएगा, कहीं कोई जो है भीड़ इकट्ठा नहीं की जा रही है, किसी तरीके का जो है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको हम लोग एकदम बिल्कुल अपने ऊपर उसका पालन किया जा रहा है। ऐसे में देखा जाए कि कुछ जो है लोग प्लान कर रहे हैं अन्य जिलों से, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था करेंगे आप? देखिए, उन लोगों के लिए तो अभी आज ही हम देख रहे थे कि कई सारे संगठन वहाँ पे जो है कि लंच पैकेट बंटवा रहे हैं, तो एक ही जगह सारी शक्ति को लगा देने से ये सिस्टम जो है बिगड़ जाएगा, चीज़ें उथल पुथल होने लगेंगी। तो जहाँ कुछ लोग कर रहे हैं वहीं पे हम भी नहीं जाएंगे, वहाँ से हट के देखा जा रहा है कि कहाँ कौन ज़रूरतमंद है उसको हम लोग वहाँ पे पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक। मैं असलम खान, प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष जी, किस तरह का आज आप लोगों ने वितरण किया है, मतलब क्या? देखिए, ये प्रोग्राम हमारा कई दिन से चल रहा है, अभी इससे पहले भी हम लोगों ने उधर झिनुरपट्टी, चमटोली, मल्ला टोली, रुई मंडी, रजागंज, सब जगह खाद्य सामग्री बांटा गया। कल के डेट में हम लोगों ने लंच पैकेट बनवा करके अब पूरा एकदम डोर टू डोर, और वहाँ जितने बाहर से, जैसे आपने अभी हमारे अध्यक्ष से पूछा, वहाँ हम लोगों ने भिजवाया लंच पैकेट बनवा करके, लेकिन वहाँ देंगे अनाज तो अनाज वहाँ कहाँ बना पाएंगे, खा पाएंगे, तो हम लोग ऐसे लोगों के लिए लंच पैकेट बनवा कर कल बांटें, आज ये भी बांट रहे हैं। और हम लोग इसकी पूरी प्रयास ये है कि हर मोहल्ले में हम लोगों के आदमी हैं, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में आदमी हैं, और उनको दिया गया है ये कि अपने मोहल्ले से चिन्हित करके आप हमें दें कि कौन सा ऐसा घर है जिसके घर में आज खाना ना बना हो, और हम उस घर को, हमको तुरंत वहाँ से सूचना मिल रही है, और हम खुद उनके घर पर जाके दरवाज़ा खुलवा करके और उन्हें सामान एक हफ्ते का मुहैया करा रहे हैं, ताकि उस गरीब परिवार के घर चूल्हा जले और वो खा सके, और वो आदमी ये लॉकडाउन का पूरा मतलब पालन करे, कोई आदमी बाहर ना निकले। ठीक। ये लिए कि ये भी जो भी व्यवस्था की गई है हम लोगों को सुरक्षित रहने के लिए, हम लोग जब सुरक्षित रहेंगे तभी राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। ये भी बता दीजिए कि 500 का नोट कहीं मिले तो छूने का प्रयास ना करें। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।